सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं कर पाए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वैसे तो ये वीडियो मुंह से आग निकालने का जादू सिखाने वाली होने वाली थी, लेकिन मैंने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था और उसकी वक्त पे डिलीवरी नहीं हो पाई, इसलिए सॉरी, आज मैं वो वाली वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड जल्द से जल्द कर दूँगा। तो आज की वीडियो मैं 100 रुपीज़ के नोट के साथ करने वाला हूँ और ये इतनी इजी और कूल ट्रिक है, इसके लिए ना आपको किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें आपको किसी के पकड़े जाने का डर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। हे गाइस, तो आपको लेना है 100 रुपीज़ का नोट। आप कोई सा भी नोट इस ट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको नोट को गांधी जी के जो होठ हैं उसके बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। फिर उनकी एजेस यानी उनकी मूछों के किनारे से वापस उल्टी तरफ से फोल्ड करना है इस तरीके से, और उसके बाद दोनों कोनों से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, और ये तैयार है आपका मैजिकल नोट। अब आपको देखिए, जब आप इससे इस तरफ से देखते हैं तो गांधी जी का चेहरा उदास दिखाई देता है, और जब आप इसे इस तरीके से देखते हैं तो गांधी जी कुछ ज़्यादा ही स्माइल करने लग जाते हैं, और इस तरीके से ये नॉर्मल दिखते हैं। और देखिए किस तरीके से उदास लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे काफ़ी सैड हो, जैसे सोनम गुप्ता बेवफा है उसकी वजह से। देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं, ना है ना, काफ़ी कूल और ईजी ट्रिक। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। है तो ये काफ़ी बेसिक ट्रिक है लेकिन काफ़ी अच्छी। देखिए आप ये किसी भी बैंक नोट के साथ कर सकते हैं। मैंने 100 का नोट इसलिए लिया क्योंकि 100 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर काफ़ी बड़ी है, और वैसे हमारे गांधी जी हमेशा स्माइल करते हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रिक में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।